हेलो हाय, राम राम, कैसे हो आप सब। तो आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अब हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, मतलब कि अभी मैं जा रही हूँ लुहाच ब्यूटी हब, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये अपना आईब्रो का ट्रीटमेंट लेना है। तो आपसे बात करते करते हम आगे निकल गए थे, लुहाच ब्यूटी हब को हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। तो इसलिए मैं देख रही थी पीछे मुड़ के कि वो तो पीछे रह गया, अब वापस से गाड़ी मोड़ेंगे उधर की तरफ जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि मेरी जो आईब्रोज हैं थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई हैं, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल में करवाना है, मतलब थोड़ा सा कम करवाना है। तो वो ट्रीटमेंट मैं लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, सारे ट्रीटमेंट होते हैं, मैं बताऊँगी आपको वहाँ पर जाके ना। मतलब जो मैम है वहाँ पे वो भी बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, सब कुछ इतनी अच्छी तरह समझाती हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि आपको जो करवाना है वो आप मतलब करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, सब कुछ अच्छे से पूरी नॉलेज देते हैं। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं फिर आपको। वो हम ज़्यादा आगे निकल गए थे ना, तो यहाँ से टर्न करेंगे अभी, ये चौक है सोनी बस स्टैंड, बस पहुँच गए हैं ऊपर, यहीं पे है फर्स्ट फ्लोर पे ना, फर्स्ट फ्लोर। हेलो कर दो तारा सबको। अभी क्रीम लगाएंगे, दर्द तो नहीं होगा ना थोड़ी? आईब्रो में दर्द नहीं है, लिप्स में हुआ था। नहीं ये करनी नहीं है, ये रिमूव करनी है। हाँ फिर तो होगा। ये जैसे टैटू है, इसी टैटू से है ना वो, ये भी हो सकते हैं, बियर्ड भी बन सकते हैं। परमानेंट कराना है? हो जाएगा, जो इंस्टाग्राम में वो हुआ था ना लीजिए, वैसे ही होता है। मेरे चेपिस लगा दी है। चेपी नहीं, अब सालों की आंखें खुल जाएंगी, लोगों की आंखें खुलने बहुत टाइम लगता है, सालों की खुल जाएंगी। ये है ना, एक्चुअली मेरी आईब्रो बिल्कुल भी नहीं थी, दिखती भी नहीं थी। तो रोज पेंसिल लगानी, तो उसमें ना कभी तो पेंसिल से शेप सही हो जाती थी, कभी शेप ऐसी हो जाती थी कि भाई अलग से कलर कर रखा आईब्रो के ऊपर, तो थोड़ा अजीब सा लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं परमानेंट करवा लेती हूँ, तो मैंने परमानेंट करवाया था। फिर वो ज़्यादा डार्क हो गई परमानेंट करवाने पर, अब मैं उसको रिमूव करवा रही हूँ, तो उसमें थोड़ी हल्की हो जाएगी, वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, मैं उसको रिमूव करवा रही हूँ। मेरी दोनों आईब्रो में दो दो कट हैं बचपन से ही, लेकिन ऐसा लगता है कि वो थ्रेड से कट लगे हुए हैं, मतलब जैसे आईब्रो बनाते हैं ना धागे से, तो ऐसा लगता है कि धागे से कट लगे हुए, लेकिन वो कट बचपन से ही है, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। और कहीं कहीं बाल है, कहीं कहीं बाल नहीं है, तो ऐसी थी मेरी आईब्रो, दिखती मेकअप करने के बाद तो दिखती भी नहीं थी कि मेरे मुँह पे आईब्रो भी है, मतलब प्लेन हो जाता था यहाँ से, तो वो थोड़ा सा ना अजीब नहीं, बहुत गंदा लगता था। तो करवाई है तो वो ज्यादा डार्क हो गई है, अब फिर उसको रिमूव करवाना पड़ेगा। तो करवाने में ज्यादा दर्द हुआ, अब तो हटाने में तो थोड़ा पता नहीं, भगवान ही जाने, अभी जब हटाएंगे ना तो तब देखेंगे कि दर्द हो रहा है। थोड़ा जब मैंने ये करवाई ना, तो क्या किया था दीदी ने कि ये क्रीम लगाई थी, तो वो ना ट्राई करने के लिए दूसरी, मतलब कंपनी की दूसरी क्रीम तो यही थी, लेकिन दूसरी कंपनी के लेके आ गए थे। तो उससे क्या हुआ था, मेरे को लगा दिया एक, जितना भी मिनट बैठाते हैं इसको लगा के, तो बैठ गई थी। उसके बाद जब वो हटा के हाथ लगा के देखा ना, तो मतलब कोई असर ही नहीं था उस क्रीम का, कि भाई जैसे सुन टेस्ट कर लिया फिर उन्होंने टेस्ट नहीं, उनको अभी पता नहीं था ना, तो फिर कि इसका असर नहीं होगा। तो फिर वो बिना उसके, मैंने कहा अब तो कर ही दो, तो उन्होंने कर दी, मैं बिना सुन के। वो कितनी सेटिंग ले रखी है पहले इसकी कराने की? तीन सेटिंग में इतना हुआ था ये है। अब रिमूव की पता नहीं कितनी लगेगी, रिमूव तो एक ही में हो जाएगा, वो कट 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 करके रिमूव हो जाएगी। हाँ एक ही में हो जाती है रिमूव। तो कैसा लगा आपको
को आज का हमारा ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो क्योंकि हमारे व्लॉग्स थोड़े से डाउन पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। और आज का व्लॉग में सिर्फ इतना ही था और दिखाते हैं हम आपको आगे का कि हम और क्या क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे कुछ दिन, तो दिखाएंगे आपको कि बाय बाय गुड नाइट एवरीवन।